बापू तेरे करके ना तेरा दिख लो गया तू सैकला ते कट्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपका जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की जो रैलीज आई है उनका रजिस्ट्रेशन आपका 8 सितंबर से चालू हो जाएगा। तो गाइज, आज ही 11 बजे सुबह से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट ये करते कि सर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, हम रैली में इस बार क्या हम रैली में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो गाइज़, आप डायरेक्टली रैली में नहीं जा सकते हो। अगर आप अपनी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आप इस रैली के लिए एलिजिबल नहीं हो। जितने भी जगह की रैली आई है, वो उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, तो सारे जगहों के जो रैलीज आई है उसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना प्री रजिस्ट्रेशन करवाए आप रैली में एलिजिबल नहीं हो, आप रैली के में नहीं जा सकते। आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा और आप रैली के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो गाइज, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी ऑफिशियल साइट पे, जो एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है। तो आप जैसे ही ऑफिशियल साइट पे जाते हो तो उसमें आपको सबसे पहले मिल जाएगा कि आपको एक सबसे पहले आप जैसे जाओगे तो अप्लाई ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते थे एक्स वाई ग्रुप का, उसी तरह आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिख भी दिया गया कि रैली अप्लाई ऑनलाइन रैली, मीन्स अभी सिर्फ रैली वालों के लिए ही ये लिंक खुला है। सिर्फ जो जो रैली में जाने वाले हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी ऑल ओवर इंडिया से नहीं भर सकते, सिर्फ जिन स्टेट्स की रैली आई है उन्हीं स्टेट्स के कैंडिडेट इसे भर सकते हैं। तो आप जैसे रैली में जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेंशन कर दिया है, देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स की ये साइट है। सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है ऑन गोइंग रैली रजिस्ट्रेशन, मीन्स ये आपकी स्टार जो आती है, स्टार 1 2020, स्टार 2020, इसका फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है अभी। और आपका जो अपकमिंग वैकेंसी जो है एयरफोर्स की, जो आपकी सितंबर में जिसकी एग्ज़ाम होती थी, उसका तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एयरफोर्स की तरफ से। तो कैंडिडेट्स ये ना समझें कि ये आपकी अगली वैकेंसी की फॉर्म आई है और फिल कर दें, ये सिर्फ रैली वाले कैंडिडेट्स ही भरेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रैली वालों के लिए ही ओपन किया गया है। क्लियरली लिख दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट रैली फॉर ग्रुप एक्स अंगुल अंगुल फ्रॉम 23 सितंबर 2020 टू 4 अक्टूबर 2020। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट रैली फॉर ग्रुप एक्स बेंगलोर कर्नाटक वालों के लिए। तो ये एक्स ग्रुप की जो रैली है ये उड़ीसा वालों के लिए है, ये उड़ीसा वालों के लिए और ये आपकी कर्नाटक वालों के लिए। तो एक्स ग्रुप की जो रैली आई है उन दोनों के लिए, तो वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और तीसरा, जो आपका वडोदरा में होने वाला है, गुजरात, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो इन तीनों जगह की जो रैली होने वाली है तो वो लोग भी इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उन्होंने ये तीन पॉइंट दे दिए कि किन किन जो तीन रैलीज आई है अभी आपकी, एक है अंगुल, बंगलोर और वडोदरा, तो इन्हीं रैलीज के लिए ये रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। तो आप जैसे अपनी एक्स वाई ग्रुप की फॉर्म फिल करते थे सारे डिटेल आपको वही डालनी है, आपको सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लेनी है। प्री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 10 तारीख के बाद, ये आज से लेकर 10 तारीख के शाम के 5 बजे तक ये लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा। इस बीच अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रैली। सो गाइज, अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें, आज से आपकी रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्टेट चुनोगे, देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टेट दिया गया है, कर्नाटक, उड़ीसा एंड गुजरात। अगर आप कोई भी स्टेट चुनते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मैं गुजरात चुनता हूँ। उसके बाद आपको रैली वैल्यू चुनना है, 1 सेकेंड, ये कुछ सर्वर इशू होगा इसीलिए आपका ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने गुजरात चुना आपका रैली में, तो उसके बाद आपको रैली वैल्यू चुनना है, रैली वैल्यू में वडोदरा। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड करने के बाद ये देख सकते हैं आपका रैली रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। ये रहा रैली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये खुल चुका है फॉर वाई ग्रुप वडोदरा। सिर्फ ये जो वाई ग्रुप की रैली होने वाली है वडोदरा में, उसी के लिए ये फॉर्म खुला है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम भरना है, फादर्स नेम है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये डिटेल भरना है। उसके बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद आपको आधार नंबर देना है। उसके बाद आपको जो डिटेल आपकी मांगी जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स वाई ग्रुप में जो फॉर्म भरते हैं उसी हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पे आपको अपनी हाइट भरनी है, हाइट के बाद आपको यहाँ पे अनमैरिड, फिर उसके बाद मेल, फिर उसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल है तो देख सकते हो यहाँ पे स्टेट की डोमिसाइल डालनी है और डिस्ट्रिक्ट डालनी है, ठीक है। आई एम ए डोमिसाइल ऑफ, आप तो आपके पास जिस स्टेट का डोमिसाइल है यहाँ पे वो लिखना है, फिर किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है तो वो लिखना है, ठीक है। तो बिना डोमिसाइल का आपका ये फील नहीं होगा।
तो आपको डोमिसाइल यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपकी ट्रेड यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटिकली ये सेलेक्टेड ही रहेगा, इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी है क्योंकि ये वाई ग्रुप की ही रैली आई है स्पेशली, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। उसके बाद आपको अपनी 10th की सर्टिफिकेट की फ़ोटो डालनी है, अपलोड करनी है यहाँ पर, जो कि फ़ोटो आपकी जो है 30 से 100 KB के बीच के रहने चाहिए। ये नहीं कि आप 1 MB 2 MB 5 MB का फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। आप फॉर्म भरने से पहले ही आप अपनी फ़ोटो को कंप्रेस कर लीजिएगा, जो कि 30 KB से 100 KB के बीच में रहनी चाहिए आपकी मार्कशीट की फ़ोटो, 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो। उसके बाद आपका आता है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, 2 ईयर्स आपने वोकेशनल कोर्स किया है या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आप बैठे हो उसका, या फिर 12th इंटरमीडिएट। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो इंटरमीडिएट ही भरेंगे, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी आती है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल, आपको आप 12th आपने जो 12th या फिर कोई वोकेशनल कोर्स जो किया है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या थी, एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे डालनी है, टोटल परसेंटेज। उसके बाद आपको इंग्लिश की परसेंटेज यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो मिनिमम आपकी 50% रहनी चाहिए एग्रीगेट, और इंग्लिश में भी 50% रहनी चाहिए, तभी आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हो, मीन्स वाई ग्रुप की इस रैली के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये आपकी ये रहनी चाहिए। उसके बाद अब आपकी आती है अपलोड सेक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपको 12th की मार्कशीट की ये फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है कैप्चा डालना, तो कैप्चा जो है वो कैप्चा डाल के आप फिर आपको सारे आपको डिक्लेरेशन पे टिक मार्क कर देनी है, टिक मार्क करके आप जैसे सबमिट करोगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी, और कुछ दिनों के बाद 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद आपको एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएगी। तो अब ये सवाल उठती है, क्या एडमिट कार्ड हम सभी को आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आपको एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड मिल जाए, क्योंकि अप्रॉक्स 150 कैंडिडेट्स को ही वो बुला रहे हैं पर डे। तो इसमें वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद वो एडमिट कार्ड भेजेंगे, मीन्स जिसका परसेंटेज ज़्यादा है एडमिट कार्ड उन्हें ही मिलेगा। ऐसा मान लीजिए अगर उन्हें 400 कैंडिडेट्स को भेजना है एडमिट कार्ड और फॉर्म गिर रही है 1000 कैंडिडेट्स की, तो आपको टॉप के 400 कैंडिडेट्स, मीन्स जिनके टॉप जो 400 कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर ज़्यादा है उन्हें ही वो एडमिट कार्ड भेजेंगे, और बाकी सारे कैंडिडेट्स को वो एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे। और जिन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा वो इस रैली के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो बाद में ये ना कहें कि हमने तो रजिस्ट्रेशन की थी उसके बाद भी हम इस रैली में क्यों नहीं जा सकते। तो ये क्राइटेरिया है इस रैली का, इस रैली में आपको नंबर के बेसिक पे बुलाया जाएगा, तो जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसे वही बुलाया जाएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।